पूरी प्रिपरेशन कर लिया यार, मैंने बहुत अच्छे से करी है। और मुझे तो डर लग रहा है यार। बदतमीज, पीछे से मुझे डंडे से मार रही थी, क्या समझ के रखा है? कबार औरत। क्या रिंकी, इसने तेरे को डंडे से मारा? काला चश्मा लगा के ना अपने आप को ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, समझ आई? एक थप्पड़ मार दूंगी ना, गर्दन उल्टी घूम जाएगी पूरी। वो ना मैंने जान के नहीं मारा था, मुझे ना दिखाई नहीं देता है इसलिए गलती से लग गया। अच्छा, अगर दिखाई नहीं देता ना तो जाके अपने घर में बैठ, तेरे जैसे लोग ना घर में ही सही लगते हैं। अगर भीख मांगनी है तो फुटपाथ पे साइड पे जाके बैठना, वहाँ पे भीख मांग के। बीच सड़क पे क्यों घूम रही है बेवकूफ कहीं की गवार? अबे जब अंधी है तो घर पे जाके बैठना, खाने पीने का घर वाले देंगे तेरे को बेड पे लाके, बाहर निकलने की क्या जरूरत है तेरे को? भीख मांगने निकली होगी जरूर, क्योंकि ऐसे लोग भीख मांगने ही निकलते हैं। मैंने आपसे कुछ गलत तो नहीं बोला ना? आप लोग प्लीज मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। अच्छा, बदतमीजी ना करे, तू बड़ी इज्जत देने के लायक है ना। रिंकी रिंकी, इसे उठा दे उठा दे। अरे देखो यार, ये लो अपना बैग, हम ना इतने भी बुरे इंसान नहीं है जितना तुम हमें समझ रही हो। आ जाओ, खड़े हो जाओ, उठ जाओ आराम से। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? मैं ना इंटरव्यू देने जा रही थी। शर्मा फाउंडेशन में? हाँ जी, और मुझे ना एड्रेस नहीं मिल रहा था। आप मुझे शर्मा फाउंडेशन का एड्रेस बता सकते हो क्या? एक बात बताओगी मुझे, बुरा मत मानना, लेकिन तुम इंटरव्यू देकर के करोगी क्या? वहाँ पे कौन सी जॉब मिलेगी तुम्हें? वहाँ पे एक बात बताओ, लैपटॉप है ना वो उंगलियों से चलते हैं, छड़ी से नहीं चलते, और ना ही तुम्हारे फूक मारने से जादू से वहाँ पे लैपटॉप चलने लग जाएगा। तुम अंधी हो यार, कैसे जॉब करोगी ऑफिस में? वैसे मेरे को रिंकी ऐसा लग रहा है कि ना यार, इसको वहाँ पर जॉब मिल ही जाएगी, और वैसे भी यार ये ज्यादा क्या करेगी, रिसेप्शन बिठा देंगे इसको, और वहाँ जाके ना रोज हमें ये सलाम कर पाएगी। ओए, देख तो लेगी ना सलाम करने के लिए कि कौन कौन साहब आ रहे हैं। अरे नहीं यार, रिसेप्शन तो फिर भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, मेरे को तो लगता है कि कैफेटेरिया में जो खाना सर्व करते हैं ना, इसको वो वाली जॉब मिल जाएगी। अबे यार, ये तो वहाँ भी गिर जाएगी यार, बेचारी अंधी है, चल भी नहीं पाएगी जैसे अभी गिरी। बिल्कुल सही कह रहे हो यार तुम, ये तो वहाँ पे भी गिर जाएगी। देखिए आप लोग है ना, फिर से मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। अगर आपको मेरी हेल्प नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी एड्रेस। हाँ ठीक है, बोला तो हम बता रहे हैं एड्रेस। धर्मेंद्र, इसकी छड़ी दे दो यार, हम ना तुम्हें एड्रेस बता देते हैं, ठीक है? हम इतने बुरे भी नहीं है जो किसी की मदद ना कर सके। ये लो, ये तुम्हारी स्टिक है, ठीक है? शर्मा फाउंडेशन जाना है ना, देखो पीछे घूमो और 100 मीटर से ना लेफ्ट ले लो ना, बिल्कुल सामने शर्मा फाउंडेशन है, वहाँ पे तो तुम्हारे जैसे लोगों की हेल्प कोई भी कर देगा, बहुत है। तुम जाओ, और ना हम भी वही इंटरव्यू देने आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे, तुम जाओ जाओ जाओ। जी थैंक यू सो मच। इट्स ओके यार, आज तुम्हारी लॉटरी लग गई। एक तो इतनी अच्छी जॉब मिलने वाली है, ऊपर से इतने सारे पैसे भी मिल गए। वैसे ये अंधी इतने सारे पैसे लेकर के जा कहाँ रही होगी यार? अबे जा रही होगी अपने अंधेपन का इलाज कराने के लिए, हमें क्या मतलब यार, हमें तो पैसे मिल गए ना। बिल्कुल सही कह रहा है तू, किसी ने सही कहा था, भिखारियों की ना कमाई बहुत होती है। अच्छा सुन, इंटरव्यू के बाद आधे आधे करेंगे पूरे पैसे गिन के। हाँ ठीक है, कर लियो, फिलहाल तो दे दे मेरे को, मैं रख लूँ, अब कहीं चोरी हो गई तो। वैसे मेरे पास बैग है, तेरे पास वो भी। सर अभी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि लंच टाइम हो रहा है। सर अभी इंटरव्यू भी नहीं ले रहे, आप प्लीज वेट कर लीजिए। तो बाहर थोड़ी वेट करेंगे, अंदर वेट करेंगे ना कैफेटेरिया में, बाहर थोड़ी। सॉरी मैम, मेरे को फिर से परमिशन नहीं मिल रखी है, जो भी इंटरव्यू देने आएगा वो भाई वेट करेगा। तू जानता नहीं है मेरे को, मेरे पापा के दोस्त का ऑफिस है ये, एक फोन कर दिया ना तू जॉब से बाहर हो जाएगा, समझा? एक काम कर, बॉस को कॉल कर अपने, और बोल कि रिंकी और धर्मेंद्र आए हैं, अंदर एंट्री अभी दे देंगे हमें। फोन लगाना जल्दी, सकल के देख रहा है। ठीक है मैम। हेलो सर, सर धर्मेंद्र सर और रिंकी मैम आई इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है सर। क्या हुआ? सर ने बोला आपको 10 मिनट वेट करना ही पड़ेगा। सर क्या हमें वेट करवाया है? अब देखना मैं क्या करूंगी, अभी पापा को कॉल करके ना सारी बातें बताऊंगी, तब पता चलेगा इनको। कैसी मैनेजमेंट है यार रिंकी यहाँ की। हाँ नहीं यार, शर्मा फाउंडेशन यही है क्या? जी यही है शर्मा फाउंडेशन, आप इंटरव्यू देने आइए, प्लीज वेट कर लीजिए। अरे वैसे हमने तो तेरे को शॉर्टकट बताया था, तूने जरूर उसको फॉलो नहीं किया, तभी इतना लॉन्ग कट लेकर के आई है। देख हम तेरे से पहले आ गए।
हाँ यार, मैंने तेरे को इतना अच्छा एड्रेस बताया था, पता नहीं यार इस संधि को। देखो आप लोग है ना, फिर से मेरे साथ बदतमीजी मत करो। एक तो आप लोगों ने मुझे गलत एड्रेस बता दिया, ऊपर से आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आपको तो मेरी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, जरा सी भी शर्म नहीं आई। ज्यादा ना इंसानियत का पाठ पढ़ाने की जरूरत है, चुपचाप जाके वहाँ पे वेट कर ले। आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या, किससे किस तरह से बात करते हैं? अबे ओ, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ना जिंदा गाड़ दूंगी तेरे को। गार्ड है, गार्ड बन के रह। रिंकी, अगर मेरी नौकरी लगे ना लगे, अगर तेरी जरूर लगेगी ना, तो इस हरामी को यहाँ से सबसे पहले निकालियो। इसकी शक्ल देख के ना चिढ़ हो रही है मेरे को। मेरी नौकरी नहीं भी लगी ना धर्मेंद्र, तब भी मैं इसका वो हाल करूंगी जो ये अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलेगा। सब सुना, आप बहुत बदतमीज हो। मैम प्लीज आप यहाँ पे वेट कर लीजिए। सहानुभूति तो ऐसे दिखा रहा है जैसे इसी की बहन हो। जी सर, ठीक है सर। सर वो मैम आपको बुलाया है। बुलाया तो गेट खोल। बुलाया एक्सक्यूज मी। यस। इंटरव्यू यही हो रहे? हाँ, आप वेट कर लीजिए, सर काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में इंटरव्यू लेते हैं फिर। ठीक है। ओके सर। यार कितना बड़ा ऑफिस है ना। हाँ देखा है, कितना लग्जरी है। सही कह रही है यार, यहाँ पे जॉब लग गई ना तो सारा मामला सेट है। देख वो जो सबसे लग्जरी केबिन है ना, वो वाला तो मैं ही लूंगी। अब पापा को बोल करके इतने अच्छे ऑफिस में जॉब लगवा रही हूँ, तो सबसे अच्छा केबिन भी मेरा ही होना चाहिए। सही कह रही है रिंकी, तेरी तो यार सिफारिश लगी हुई है, पर मेरे को ना थोड़ी घबराहट सी हो रही है, क्योंकि ना मैं इतने बड़े ऑफिस में पहली बार आ रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, आज तक कभी गया नहीं ऐसे, थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहा हूँ मैं। अरे यार तो टेंशन मत ले, अगर मेरी जॉब लग गई ना तो सब मक्खन है यहाँ पे, मेरे अंडर में होगा। और तेरे को क्या ही जरूरत है, जब मैं हूँ तो तेरी जॉब तो कंफर्म ही है, और सबसे अच्छी पोस्ट पे लग जाऊंगे। थैंक यू सो मच यार, तेरे से बस यही उम्मीद है। इंटरव्यू यही हो रहा है क्या? यस। मैडम का बल्ब फ्यूज है। टॉर्च उसको साइड में लेके जा रही है। आप यहीं बैठो सर, जैसे ही काम खत्म होता है ना सर इंटरव्यू लेंगे। क्या इंटरव्यू लेंगे वैसे सर, इसका कौन सी पोस्ट पे लेंगे? मैं बताती हूँ उसका क्या इंटरव्यू लेगा। ब्लैक जब ऑफिस में खाली टाइम होगा ना तो ये ब्लैक खेला करेगी। सही कह रही है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि ये कुछ पढ़ भी पाएगी। इसके लिए पता है सर क्या करेंगे, बटन वाली ना किताब लेके आएंगे, खुद भी बैठ के पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ाएंगे। मैं तो कहती हूँ देख, जैसे कि हमसे बेइज्जत हो रही है ना, अभी बॉस आते ही ना इसको भी ऐसी बेइज्जत करके बाहर निकालेगा। नहीं, मेरे को पता क्या लगता है कि ऑफिस के बाहर जो जगह है ना वहां पे बैठाएंगे इसको, क्योंकि देख कोविड में जैसे बिजनेस डाउन हो गया था, थोड़ा बजट हिल गया था, तो भिखारियों की बड़ी कमाई होती है मैंने सुना, तो इसको ना वही काम मिलेगा। देखो आप लोग है ना, सुबह से अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ, आप तब से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और आपने बाहर मेरे साथ कितना गलत बिहेव किया है। आपको मुझे सही रास्ता बताना चाहिए, अगर मुझे दिखाई नहीं पड़ता है तो आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है, कैसे लोग हो? अच्छा, हम सुबह से बेइज्जती कर रहे हो और तुम करवा रही हो, हमसे बड़ी बेशरम तो तुम हो जो सुबह से बेइज्जती करवा रही हो, फिर भी हमारे इर्द गिर्द हमारी नजरों के सामने आ रही हो। अगर कोई और होता ना इतनी देर में, छत कूद गया होता, लेकिन तुम तो हमारे इर्द गिर्द घूम रही हो। सही कह रही है रिंकी, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो अभी भी तुम पे ना बहुत अच्छा चांस है, यहाँ से निकल जाओ और बाहर जाके कहीं फुटपाथ पे बैठो, खाना खाने को मिल जाएगा। वैसे भी दोपहर से यार तुम यहीं खड़ी हो, भूख तो लग रही होगी ना, आखिरकार तुम हो भी इंसान है। लंच टाइम भी हो गया। मुझे नहीं लगता आप लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे हो, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता ना तो आपने इतना जरूर सीखा होता कि किसी मजबूर इंसान की मदद करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए और उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। आप लोग कैसे हो, बिल्कुल दया नाम की चीज नहीं है क्या? सुबह से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ सुने जा रहे हो और आप लोग मुझे सुनाए जा रहे हो। तुम्हें सिर्फ दिखाई नहीं, तुम्हें सुनाई भी नहीं देता है, मुझे ऐसा लगता है सुबह से बेइज्जत हो ही जा रही हो, और फिर भी कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है, सुनी जा रही हो बस। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में यार, मुंह उठाया और चल दो इंटरव्यू देने, वो भी MNC कंपनी में। पता है इंसान को ना अपनी असलियत पता होना बहुत जरूरी है, जो कि शायद तुम्हें नहीं पता। हम दोनों ना तुम्हारे लिए आईना बन के आए हैं, तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहे हैं कि तुम कहाँ पे और क्या डिजर्व करती हो, और तुम्हें तो हमारा थैंकफुल होना चाहिए। वो
क्या कहते हैं, शुक्र गुजार यार। हाँ, शुक्र गुजार होना चाहिए हमारा कि हमने तुम्हें शीशा दिखाया, तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाई है कि तुम फुटपाथ पे बैठोगी। फुटपाथ पे भी मत बैठ, तेरे पे एक और ऑप्शन है, तूने काम कर, तू अपने जैसे ना अंधे बच्चों को इकट्ठा कर और उन्हें ना पढ़ाना लिखाना चालू कर दे, क्योंकि तूने भी तो ऐसे ही पढ़ना लिखना चालू किया होगा ना। प्लीज आप लोग शोर मत मचाइए, अंदर मीटिंग चल रही है। अरे यार एक बार बात कर लो ना अपने सर से, और कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू के लिए, पहले बाहर खड़ा करवा दिया वहाँ रोड पे, अब यहाँ पे बिठवा दिया। हाँ अभी पूछ के आता। मेरे को तो लग रहा है हर छोटी चीज के लिए ना मेरे को पापा को कॉल करना पड़ेगा। आने की ऐसी मैनेजमेंट है यार, यहाँ पे जॉब करने आएंगे ना तो भाई हम तो पागल ही हो जाएंगे। मैं तो सब सुधार दूंगी यहाँ पे आके। आप दोनों जा सकते हैं, इंटरव्यू खत्म हो चुका है। इंटरव्यू खत्म हो चुका है? ऐसे कैसे हो सकता है कि इंटरव्यू खत्म हो गया, हमारा इंटरव्यू तो अभी लिया ही नहीं है। अरे तुम पागल वगैरह हो गया भाई? और ऐसे कैसे चले जाएं हम वापस, पूरा दिन हमने अपना वेस्ट किया है, इसलिए थोड़ी वेस्ट किया था कि यहाँ पे आएंगे बैठेंगे और चले जाएंगे, खाली थोड़ी हमारे पास और भी काम है, अपना कॉलेज लीव करके आए हम और हमारी कॉलेज में भी लीव लगी, हमारा पूरा दिन वेस्ट किया। हम तुम लोगों के ऊपर ना कंप्लेंट कर सकते हैं इस चीज को लेकर कि तुम लोगों ने हमारा पूरा दिन वेस्ट किया और हमारा इंटरव्यू भी नहीं लिया। कहाँ है तुम्हारे बॉस? बॉस को लो भाई, अपने ऐसे नहीं जाने वाले हम, वरना ना पुलिस केस कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है आप लोग चिल्लाइए मत, अभी सबको कॉल करता हूँ। हेलो सर, ये लोग मान नहीं रहे हैं, आप बाहर आ जाइए। एक तो पता नहीं कैसे हमारे सर को देख लेंगे, आ रहे हैं गलत थोड़ी हैं हम, पता नहीं कैसे कैसे अंधों को बुला रखा है इंटरव्यू के लिए और ऊपर से हमें कह रहे हैं कि इंटरव्यू खत्म हो गया। मुझे तो यार यहाँ के मैनेजमेंट भी नहीं समझ में आ रही है क्या सिस्टम है क्या नहीं है, अंधों को बिठा रखा है, कभी किसी से इंटरव्यू लेते हैं ढंग से कि नहीं लेते हैं। अंकल आ गए आप, अच्छा हुआ। देखो ना ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटरव्यू खत्म हो गया जबकि हमारा इंटरव्यू लिया भी नहीं गया अभी तक, और पता नहीं कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे बुला रखा है इंटरव्यू के लिए। आप खुद देखिए ना, इनका स्टैंडर्ड है क्या हमारे साथ बैठने का? मुझे तो लगा किसी मैनेजर के ऑर्डर पे ये सब कर रहे हैं, हमें इतनी देर बाहर धूप में खड़ा रखा। आपकी कंपनी कितनी डल हो रही होगी, कितने कैंडिडेट्स आते हैं वो क्या सोचते होंगे कि कैसी कंपनी है जो इंटरव्यू पे आने वाले कैंडिडेट्स को बाहर धूप में खड़ा करती है, तो इम्प्लॉयज के साथ क्या ही हाल करते होंगे। और आपकी कंपनी की ना इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और देखो ये इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है, हमें कह रहा है कि हम यहाँ से चले जाएं। कौन है सर, पता नहीं किस मैनेजर से बोल करके आया, जबकि मैंने इसको बोला था कि मेन बॉस से जाकर के बात करो, मैंने अप्रोच बॉस से लगवाई थी। अब तो पापा के बहुत अच्छे दोस्त है ना, आप तो सब जानते हैं, तो आप प्लीज इसको बोलिए और हमारा इंटरव्यू कैरी ऑन करवाइए, इसको लगा और कोई अरे गहरे आए हैं यहाँ पे। अरे जब तुम्हें मेरे एम्प्लॉय ने बोल दिया कि इंटरव्यू खत्म हो गए तो खत्म हो गए, अरे तुम्हें क्या लगा तुम किसी की भी अप्रोच लेके आओगे तो तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाएगी? पहले तो ये जो तुम्हारी डिग्री है ना ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी से बात करने की तमीज तक नहीं है। अरे इस लड़की के साथ तुमने क्या किया, तुमने इसके अंधेपन का नाजायज फायदा उठाया और इसके बैग में से पैसे निकाल लिए। अरे तुम्हें क्या पता ये मेरी ही भेजी हुई एम्प्लॉई है, ये तुम्हारा टेस्ट लेने आई थी और ये कोई अंधी बंदी नहीं है, इसको मैंने ही भेजा था कि जा अपनी कंपनी में अगर मैं कोई एम्प्लॉय रखना चाहता हूँ तो कम से कम मैं उसका टेस्ट तो ले लूं। अरे अगर तुम्हारे हाथ में डिग्री है और तुम किसी की अप्रोच लगा के क्या जॉब लगा लोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे डिग्री होने से कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए और लॉयल्टी होना भी बहुत ज़रूरी है। अरे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को जॉब दे के तो मैं अपनी कंपनी डुबवा लूंगा, अरे तुम चंद रुपयों के लिए इसके बैग से पैसे चुरा सकते हो तो कल को पैसों के लालच के लिए मेरी कंपनी के शेयर तो तुम कहीं भी बेच दोगे। खबरदार, मैं तुम दोनों को अपनी कंपनी में जॉब तो कभी नहीं दे सकता। और हाँ ये मेरा ऑफिस है, कोई गांव का कस्बा नहीं जो ऐरा गहरा नत्थू खेरा अप्रोच लगा के यहाँ जॉब ले ले। अब तुम खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से। अरे हाँ हाँ जा रहे हैं, चल रिंकी, वैसे भी यहाँ के हमारा टाइम ही बर्बाद हुआ है। ऐसा कुछ ऑफिस खोल लूंगी मैं। और हाँ जाते जाते वो पैसे जरा चेक कर लेना, वो भी तुम्हारे करैक्टर की तरह नकली है। जॉब लेंगे यहाँ पे।